सो हाई एवरी वन, फ्री कंसेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन की हमारी सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने फ्रॉड का पार्ट कवर किया था, सेक्शन नंबर 17 को कवर किया था, और इस वीडियो के तहत बच्चे हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 18 विच टॉक्स अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन, राइट। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन करने से पहले जरा 5 मिनट क्विकली हम लोग फ्रॉड का जो पॉइंट है एक बार ही उसको रिवाइज कर लेते हैं, और फ्रॉड के अंदर ही हमारा एक पॉइंट रह गया था उसको भी हम अपना आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए जरा स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, हम लोगों ने शुरुआत करी थी कहां से, हम लोगों का ये चैप्टर ही कहां से अराइज होता है। बेसिकली अगर मैं कहूं तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है हम लोगों की जब व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड चाहिए तो एसेंशियल्स में आपका पॉइंट नंबर 4 है दैट टॉक्स अबाउट द फ्री कंसेंट। लॉ मेकर्स कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को मिले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग जो है फ्री कंसेंट को लेकर आओ, ठीक है। और फ्री कंसेंट कैसे आएगी, जब आप लोगों के पास कंसेंट आएगी। कंसेंट अगर नहीं है इट्स अ वॉइड अग्रीमेंट, कंसेंट है मगर फ्री नहीं है, राइट। तो वो हम लोगों का सेक्शन 19 के हिसाब से क्या बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये सब चीजें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर ली। अब आती है बात कि फ्री कंसेंट को हासिल कैसे करना है। अगर आपको फ्री कंसेंट को हासिल करना है तो उसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि उस आपकी कंसेंट के अंदर ना ये फोर्सेस का इस्तेमाल ना हो। अगर आपकी कंसेंट के अंदर इन फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है तो वो कंसेंट मेरी फ्री कंसेंट नहीं है, समझ रहे। तो इफ यू वॉन्ट योर कंसेंट टू बी फ्री देन प्लीज मेक श्योर कि उसके अंदर कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन तीनों ही चीजों का इस्तेमाल, इन चारों पांचों चीजों का इस्तेमाल ना हो। ये नहीं होंगी देन यू विल गेट अ फ्री कंसेंट। अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपना फ्रॉड के बारे में पढ़ा है ना, सेक्शन नंबर हमारा 17 हम लोगों ने अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 17 हमें कहता है कि फ्रॉड का मतलब होता है चीट करना, डिसीव करना, धोखा देना। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोगों को क्या किया गया, ये फ्रॉड के रिगार्डिंग ना कुछ हमें ऐसे एक्ट्स की लिस्ट दे दी गई कि अगर ये काम आप लोग करेंगे तो मान लेंगे कि आपने फ्रॉड किया है। यानी कि जैसे झूठ बोलना, सच को छुपाना, ऐसा प्रॉमिस देना विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, या फिर आपका अगर किसी और लॉ के अंदर भी जो है किसी और पर्टिकुलर एक्ट या लॉ के अंदर भी ये बात भूली गई है कि कोई भी काम आपका फ्रॉड है, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में समझाया है, हमारा पार्ट वन जो है, राइट, ये है हमारा पार्ट टू। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर किसी और लॉ के अंदर लिखा हुआ है कोई भी काम करना इज अ फ्रॉड, तो आईसीए के अंदर भी वो काम करना आप लोगों का क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉड। फ्रॉड का बच्चे इफेक्ट क्या होगा, फ्रॉड का इफेक्ट ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपके साथ धोखा हुआ उसके लिए बच्चे आप क्या क्लेम कर सकते हैं, यू कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस। अगर आप लोग चाहें तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते है, लेकिन मेक श्योर कि ये फ्रॉड जो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के द्वारा हो। इसमें बकायदा आपकी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन फैक्ट्स की होनी चाहिए, लॉ की नहीं, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, है ना। तो फैक्ट्स की फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पार्टी वाकई में पार्टी आपके डिसीव्ड हो, उसके साथ चीटिंग हो, और उस चीटिंग की वजह से उसके साथ जो है उसका नुकसान हो। जैसे कि मानो मैंने फर्नीचर का एग्जाम्पल दिया था आपको प्रीवियस वीडियो में, याद है मैंने बताया था कि एक डिफेक्टिव फर्नीचर मैं ले आई थी। अब सोचो मैं एक डिफेक्टिव फर्नीचर लाई, यानी कि मेरे साथ फ्रॉड तो हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ना उस चेयर को ठीक कर दिया था, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो जो चेयर थी हमारे डाइनिंग टेबल की जो चेयर थी ना वो डिफेक्टिव है, कभी पता ही नहीं चला, सालों साल निकल गए। अब सालों साल बाद अगर मुझे पता लग भी गया तो क्या वो फ्रॉड माना जाएगा। लॉ मेकर्स कहते हैं नहीं मैम, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, यू हैव नॉट सफर्ड एनी सच लॉस विद सच डिसीव्ड, जो हमारा यहाँ पर पांचवा पॉइंट है, एसेंशियल्स टू बी अ फ्रॉड। मैम यू हैव नॉट सफर्ड एनी लॉस बिकॉज ऑफ दैट चीटिंग और अ डिसीव, तो प्लीज मैम ये फ्रॉड भी नहीं है सेक्शन 17 के तहत, इसीलिए मैम अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर पाएंगी। अब आती है नेक्स्ट कहानी, वो क्या कि मैम अगर फ्रॉड पाया गया कि वाकई में फ्रॉड हुआ है तो उसके बाद होगा क्या भाई, उसके बाद आप लोगों की बच्चे अग्रीव्ड पार्टी जो है ना उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि अग्रीव्ड पार्टी अपनी तरफ से क्या करेगी,
अग्रीव्ड पार्टी को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे और अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बेटा वॉइड भी करार कर सकती है। एम आई क्लियर टिल नाउ? ठीक है, ये हम लोगों ने अपना पार्ट वन का जो वीडियो था उसमें कवर कर लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, मगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है इसीलिए आप साथ साथ मॉनेटरी डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। अब देखो ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में नहीं कराई थी। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये ना पांच बच्चे वो आपके सरकमस्टेंसेस हैं, पांच आपके वो सरकमस्टेंसेस हैं जिसमें हुआ होगा फ्रॉड फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। मतलब सिचुएशन, बट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस कांट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अभी तक क्या बोला कि अगर हुआ है फ्रॉड तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड भी हो सकता है, वो वैलिड भी हो सकता है। लॉ कहता है कि इन पांचों सरकमस्टेंसेस में फ्रॉड होने के बावजूद भी यू कांट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट और आपका बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या मान लिया जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपका बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वो सिचुएशंस मेरे पास कौन कौन सी होंगी जरा वो सुनो आप, ठीक है। लॉ मेकर्स कहते हैं, मैं सिंपल सिंपल पहले आप लोगों के साथ उठाती हूँ। लॉ मेकर्स कहते हैं आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपको पता लग गया, उसके बावजूद भी अग्रीव्ड पार्टी यानी कि आप जो है अग्रीव्ड पार्टी वो बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स लिए जा रही है। जैसे मैंने डाइनिंग टेबल का एग्जांपल दिया था, मैं डाइनिंग टेबल लेकर आई 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को मानो मुझे पता भी लग गया कि वो डिफेक्टिव है डाइनिंग टेबल, उसके बावजूद मैं उस डाइनिंग टेबल को यूज करे जा रही हूँ करे जा रही हूँ करे जा रही हूँ, और 2 महीने बाद मानो अप्रैल भी गया मई भी गया, 2 महीने बाद अब मैं जा रही हूँ सेलर के पास और बोलती हूँ कि सेलर तुमने मेरे साथ तो फ्रॉड किया, तुमने मुझे डिफेक्टिव फर्नीचर सप्लाई कर दिया, तो अब मुझे बताइए क्या अभी भी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती हूँ? अरे भाई मैंने 2 महीना उस फर्नीचर को यूज कर लिया, यानी कि अग्रीव्ड पार्टी टेक्स बेनिफिट्स अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट। या फिर मानो अगर मैं उसी एग्जाम्पल में लू, से 1 अप्रैल को मैं फर्नीचर लाई, ठीक है, 2 को मुझे पता भी लग गया कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे डिफेक्टिव फर्नीचर जो है वो सप्लाई कर दिया गया, और 3 को मैंने क्या किया, अपना वो ही फर्नीचर जो था वो किसी और को बेच दिया, यानी कि मान लो मैंने कोई मिस्टर एक्स है उनको यही फर्नीचर जो मैंने खरीदा था 80,000 का ना, यही फर्नीचर मैंने किसी और को आगे बेच दिया। भाई देखो अगर आप चीज परचेज कर लेते हो उसके बाद तो वो आपकी चीज है ना, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे तो उस चीज का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने डाइनिंग टेबल परचेज करी थी तो मैं चाहूं तो उस डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करूं, मैं चाहूं तो उस डाइनिंग टेबल को रखे रखूं, मैं चाहूं तो किसी को गिफ्ट में दे दूं, या फिर मैं चाहूं तो उसको आगे बेच भी सकती हूं। तो बच्चे मैंने उस डाइनिंग टेबल को आगे बेच दिया, हां जी मैंने उसको आगे बेच दिया, मैं जानती हूं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, उसके बावजूद भी मैं जानती हूँ कि मुझे डिफेक्टिव फर्नीचर मिला है, उसके बावजूद भी सेम फर्नीचर मैंने आगे किसी और को बेच दिया। अब पता है क्या हुआ, जैसे मानो सेलर जिसने मुझे फर्नीचर बेचा, मैं उसके लिए बायर थी यहाँ पर, है ना, आपकी नीति मैम को पता चल गया था कि फ्रॉड हुआ है, उसके बावजूद आपकी नीति मैम ने मिस्टर एक्स को ये फर्नीचर बच्चे बेच दिया। अब वो क्या होगा, मानो मिस्टर एक्स आए मुझसे लड़ने के लिए, मैडम आपने तो डिफेक्टिव फर्नीचर दे दिया, मैम आपने ये किया, मैम आपने वो किया, आप मैम मेरे पैसे वापस करो और अपना फर्नीचर वापस ले लो, क्या ये फर्नीचर अब मैं दोबारा सेलर के पास ले जा सकती हूँ? नहीं ले जा सकती। लॉ मेकर्स ना छूटते ही एक बात कहेंगे, बट हाँ ऑब्वियसली देखो यहाँ पर टाइम को भी कंसिडर किया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें और भी फैक्टर्स आपके कंसिडर करे जाएंगे। अगर मैं अभी तक जानती ही नहीं थी कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मानो मैंने किसी और को बेचा, मैं रिटेलर हूँ, मैंने होलसेलर से खरीदा, ठीक है, और आगे मैं कस्टमर को बेच रही हूँ, फिर कस्टमर मेरे पास आया कि मैडम आपने जो डिफेक्टिव फर्नीचर दे दिया, राइट, मैंने उस फर्नीचर को यूज नहीं किया, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, अब अगर वो मेरे पास आ रहा है तब मैं जा सकती हूँ सेलर के पास, बट ऑब्वियसली मैं टाइम भी कंसिडर करूंगी, मैं बहुत सारी चीजों को फैक्टर्स को कंसिडर करूंगी। लेकिन अगर मैं जानती हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे डिफेक्टिव फर्नीचर मिला है, फिर भी मैंने उसको क्या किया, इग्नोर करते हुए उसी फर्नीचर को आगे किसी तीसरे बंदे को बेच दिया, तो लॉ कहता है मैम यानी कि आपने ना ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, इस फर्नीचर को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मैडम आपके साथ हुआ है फ्रॉड, आप जानते भी हो, मगर चाहकर भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को मैडम अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप मैम चाहकर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड
नहीं कर सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ना टाइमली एक्शन ले लें। अगर आप लोग टाइमली एक्शन नहीं लेते हो ना, तो उसके बहुत, देखो कुछ एक्शन ना लेना भी अपने आप में एक्शन होता है, कुछ एक्शन ना लेना भी, लीगल एक्शन ना लेना भी अपने आप में एक एक्शन ही होता है। से मानो अगर आज मुझे किसी ने मारा और मैं अगर उसके अगेंस्ट 10 साल बाद केस कर रही हूँ, 1 साल बाद या 20 साल बाद केस कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली इतने टाइम तक मैंने केस क्यों नहीं किया, इसका मुझे पहले रीजन देना पड़ेगा। उसके बाद मेरे केस को जो है हैंडल करेगा कोर्ट। सबसे पहले मुझे रीजन देना पड़ेगा कि व्हाई आई वाज सो साइलेंट दीज इयर्स और दीज डेज, मैं क्यों थी चुप, मैं क्यों नहीं आई और क्यों नहीं मैंने आवाज उठाई। तो टाइमली एक्शन लेना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो लॉ मेकर्स क्या कहते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि फ्रॉड से अगर प्रूव हो गया है कि फ्रॉड है, तो अग्रीव्ड पार्टी इन दोनों में से एक काम कर सकती है, ठीक है, और साथ की साथ ये भी क्लेम भी कर सकती है डैमेजेस। लेकिन माना कि अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार कर सकती है, चलो जी मान लिया प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन एप्लीकेबल होने का मतलब कि अगर मैंने डाइनिंग टेबल को वापस कर दिया, है ना, मैंने अगर डाइनिंग टेबल जो है उसको वापस कर दिया, तो मुझे भी मेरा 80,000 रुपया डाइनिंग टेबल का वापस मिल जाएगा, ठीक है ना, दैट इज रेस्टिट्यूशन। मगर लॉ मेकर्स कहते हैं मैम अगर ये पांचों सिचुएशन आई ना, तब तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, मगर फिर भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को मैम वॉइड करार नहीं कर पाओगे, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा दैट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑटोमेटिकली हम इसको क्या मानकर चलेंगे, दैट इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कब कब होगा, अगर अग्रीव्ड पार्टी बच्चे आप लोगों के बेनिफिट्स ले लेती है अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीव्ड पार्टी टेक्स बेनिफिट्स अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपकी कोई भी इनोसेंट थर्ड पार्टी, ये मिस्टर एक्स हमारे इनोसेंट ही तो थे, इनको क्या पता कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ था और फिर मैंने वो फ्रॉड में मिले हुए फर्नीचर को ही इनको बेच दिया। तो लॉ मेकर्स कहते हैं वेयर एन इनोसेंट थर्ड पार्टी एक्वायर्स फॉर कंसिडरेशन, है ना, जब भी इनोसेंट थर्ड पार्टी ने अगर कंसिडरेशन देकर अगर वो प्रॉपर्टी आपकी ले ली है, तो अब नीति मैम आपके साथ फ्रॉड हुआ है, सेलर ने आपके साथ फ्रॉड किया था, मगर फिर भी चाहकर भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। एम आई क्लियर टिल नाउ? तो एक तो पॉइंट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, देखो एक तो पॉइंट मेरा ये हो गया दैट अग्रीव्ड पार्टी टेक्स अ बेनिफिट्स अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट हो गया व्हेन एन इनोसेंट थर्ड पार्टी एक्वायर्स फॉर कंसिडरेशन सम इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मानो द कंसेंट विच इज गिवन विद द इग्नोरेंस ऑफ द फ्रॉड, कंसेंट दी गई है इग्नोरिंग द फ्रॉड, मतलब जो हमारी अग्रीव्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं जानती है मगर उसके लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा बहुत अगर एक आधा क्रैक कुछ आ भी रहा है तो कई लोगों के लिए वो मैटर नहीं करता है, वो सोचते हैं चलो छोड़ो, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट, मुझे क्या करना है, छोड़ो लीव इट। तो अगर पार्टी ने उस टाइम पर इग्नोर कर दिया जब उसके साथ फ्रॉड हो रहा था, तो लेटर स्टेज पर भी लॉ कहता है अब आप आकर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो। या फिर लॉ कहता है कि वेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड एंड द अग्रीव्ड पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद द ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, जहां पर साइलेंस जो है फ्रॉड माना जाता है, कहां पर आप लोगों का चुप रह जाना फ्रॉड होता है, बताओ। ये था जनरल रूल हम लोगों का, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, और ये एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन क्या कहती है, साइलेंस डू अमाउंट टू, साइलेंस डू अमाउंट टू फ्रॉड, मतलब इन तीनों केसेस में तो ना ये मानकर चलते हैं कि इन पार्टीज के बीच में रिश्ता ही ऐसा होता है या सिचुएशंस ही कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से चुप रह जाना भी अपने आप में एक फ्रॉड है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो लॉ कहता है अगर साइलेंस एज टू फ्रॉड है प्लस आपके पास सच्चाई निकालने का कोई ना कोई जरिया है, अगर आपके पास सच्चाई निकालने का कोई ना कोई जरिया है, जरिया ना होता तो अलग बात है, अगर आपके पास सच्चाई निकालने का कोई ना कोई जरिया है, तो लॉ कहता है अब अग्रीव्ड पार्टी ये आपकी ड्यूटी बनती थी कि जाकर सत्य की खोज करो, है ना, जाकर सत्य की खोज करो ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ, अगर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्डिनरी तरीके से अगर आप सत्य का पता लगा सकते हो, है ना, सत्य का पता लगा सकते हो,
और फिर भी आपने वो पता नहीं लगाया तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए दूसरी पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप दोनों के बीच का बना हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, से एज फॉर एग्जाम्पल देखो तो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास है कोई मिस्टर श्याम, ठीक है, इनका जो है ना एग्रीकल्चरल लैंड मैंने परचेज किया, इनका एग्रीकल्चरल लैंड है जिससे ये अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे, वो आपकी नीति मैडम ने परचेज किया। अब जब मैंने परचेज किया तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी यहाँ पर जो क्रॉप्स आप उगाते हैं, जो भी प्रोडक्शन होती है, कितनी प्रोडक्शन हो जाती होगी, कुछ आइडिया देंगे? तो मिस्टर श्याम कहते हैं हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छी हो जाती है तो मैं मानकर चलूंगी कम से कम 20 टन या 30 टन के आसपास होनी चाहिए। जब एक्चुअल में आप लोगों की प्रोडक्शन मैंने देखी तो पता चला जी भैया, वो तो आपके रिकॉर्ड्स देखे ना तो पता चला जी 1 ही टन की जो है प्रोडक्शन हुई है। अब अगर मैं इतना बड़ा से 100,000 acres का अगर मान लो मैं एग्रीकल्चरल लैंड परचेस कर रही हूँ तो उसमें अगर 1 टन की प्रोडक्शन हो रही है तो इट्स नॉट अ गुड डील, राइट? अब श्याम ने एक्चुअल में मुझे पता है क्या बोला था, श्याम ने ना तो 1 टन बोला था, ना उसने 20 टन या फिर 30 टन बोला था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताइए कि कितनी प्रोडक्शन हो जाती है आपके इस एग्रीकल्चरल लैंड में? तो कहते हैं कि मैम अच्छी प्रोडक्शन हो जाती है, आप चिंता ना करें, हो जाती है आराम से 15-20 के आसपास, 15-20 या टन तो हो ही जाती है। मैं भी खुश हो गई। अब एक बात बताओ, 15 टन की प्रोडक्शन होती है, 20 टन की प्रोडक्शन होती है, 2 टन की प्रोडक्शन होती है, ये बात का मैं कहीं ना कहीं से पता लगा सकती हूँ। कहाँ से पता लगा सकती हूँ? अरे भाई बिजनेस है तो इसके अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हुए होंगे, है या नहीं? इसके अपने रिकॉर्ड्स होंगे, प्रोडक्शन शीट होगी, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कहीं ना कहीं पर तो लिखा होगा। तो मुझे डिमांड करनी चाहिए थी, मिस्टर श्याम जरा पेपर्स दिखाएंगे आप एक बारी, है ना, पेपर्स दिखाएंगे, बहुत सिंपल है, ऑर्डिनरली बड़े सिंपल तरीके से मैं अगर चाहूं तो इस बात का पता लगा सकती हूं। मगर मैंने इस बात का पता नहीं लगाया, मैंने इस बात का पता नहीं लगाया। तो लॉ कहता है आप दोनों के केस में, जैसे मानो अगर मिस्टर श्याम ने मुझे ये कह दिया, हो जाती है, मतलब उन्होंने मुझे बताया मगर अधूरा सच बताया, इन्होंने क्या किया, मुझे हाफ ट्रूथ बताया, पूरा नहीं बताया, बस ये बताया अच्छी हो जाती है प्रोडक्शन, टेंशन की बात नहीं है। मानो उन्होंने परसेंटेज भी नहीं बताई, अमाउंट वो भी नहीं बताया कि 15 होती है या 20, उन्होंने कहा अच्छी हो जाती है। अरे जब इंसान इतनी बात बोल रहा है कि अच्छी हो जाती है तो आप ऑब्वियसली वो आपसे आधी अधूरी बात कह रहा है। पूरी बात पता लगाने के लिए, पूरा ट्रुथ पता करने के लिए अगर आपके पास मीन्स है, अगर आपके पास जरिया है, मीन्स मतलब जरिया, वेज ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, वेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। लेकिन ये बात सिर्फ उन्हीं तीनों केसेस में होगी, ये बात आपकी सिर्फ उन्हीं तीनों केसेस में होगी। लॉ कहता है कि अगर आपके पास जरिया, अगर आपका रिश्ता ही कुछ ऐसा है या फिर आप वो तीन सिचुएशन में आप फॉल करते हो, ठीक है, आपका मानो एक रिलेशनशिप ऐसा है जैसे रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है ना, कि से मान लीजिए आपके फादर जो है वो आपसे प्रॉमिसरी नोट साइन करवा रहे हैं, आपने पूछा भी कि पापा ये जो प्रॉमिसरी नोट आप साइन करवा रहे हो कितने अमाउंट का होगा, है ना, जिसको मुझे साइन करना है, पापा ने कहा रीजनेबल अमाउंट है, टेंशन मत ले। तो आप चाहे तो उस बात का पता लगा सकते हैं, ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, मान लिया, यानी कि आप दोनों के बीच में इतना फ्रीडम भी है ना, इतना कंफर्ट लेवल भी है कि आप एक दूसरे से अगर चाहे तो ऐसे मीन्स का, ऐसे पेपर्स की डिमांड कर सकते हो कि भाई एक बारी दिखा दे जरा पेपर तो मैं चेक कर लूं, है ना, मेरी भी मन की शांति हो जाएगी, पापा एक बारी जरा दिखाओ जरा कि वो प्रॉमिसरी नोट के अंदर एग्जैक्टली कितना अमाउंट लिखा है। तो वो प्रॉमिसरी नोट अगर आप चेक करोगे तो पता लग जाएगा कि फादर ने 20,000 का ये जो प्रॉमिसरी नोट था वो 2,00,000 का प्रॉमिसरी नोट अपने बेटे से साइन करवाया। तो बेटा ये है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट जो कि तोड़ दिया गया। तो ऐसे केसेस में लॉ क्या कहता है, साइलेंस डू अमाउंट टू फ्रॉड। अगर आपके पापा ने आपको क्लियर पिक्चर नहीं दी थी तो बट आपके बीच में एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, राइट, दैट मीन्स एक वो कंफर्ट लेवल भी है और आपके पास जरिया भी था, आप वो प्रॉमिसरी नोट अच्छे से पढ़ सकते थे, मंगवा सकते थे कि मैं पहले पढ़ूंगा फिर साइन करूंगा, राइट, फिर भी आपने वो काम नहीं किया। तो लॉ कहता है लेटर ऑन, लेटर स्टेज पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद
प्रॉमिसरी साइन नोट साइन कर लेने के बाद फिर आप नहीं कह सकते कि मेरे साथ तो जो है फ्रॉड हुआ, मेरे ही पापा ने फ्रॉड किया, अब तो जो है मुझे क्या करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई वांट इज What I actually want is बच्चे क्या कि लॉ मेकर्स बस इतनी बात समझाना चाह रहे हैं कि इन सिचुएशंस में ना फ्रॉड हुआ भी होगा तब भी अग्रीव्ड पार्टी चाहकर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं कर पाएगी, उनके साथ ये सिचुएशन आई है, फ्रॉड हुआ है, फिर भी नहीं कर पाएगी और उसको मानकर चल लेंगे, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लास्ट पॉइंट ये हुआ वेयर द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आ गया, ऐसा हो गया जिसकी वजह से ना आप ओरिजिनल पोजीशन पर आ नहीं सकते हैं। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि भाई अब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होगा, अब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होगा। से एज फॉर एग्जांपल से जैसे मान लेते हैं आप कहीं पर भी अपनी सर्विसेज देते हैं राइट, और आपने फ्रॉडुलेंटली वो अपनी सर्विसेज कहीं पर दे दी है, तो बेटा सर्विसेज वापस तो मिल नहीं सकती है, जो सर्विसेज अब आप दे चुके हो उतनी सर्विसेज के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको आपकी सर्विसेज का पेमेंट भी मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? सो दीज आर द 5 केसेस जहां पर फ्रॉड होगा मगर होने के बावजूद भी अग्रीव्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चे कैंसिल नहीं कर पाएगी किसी भी हालात में। समझ रहे हैं? अब देखिए फ्रॉड का ये पॉइंट हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ सेक्शन नंबर 18 दैट टॉक्स अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन। याद है आपको पार्ट वन में मैंने क्या बताया था? पार्ट वन में मैंने ये बात बिल्कुल क्लियरली बताई थी कि अगर आप लोगों का पेपर्स के अंदर या बुक्स के अंदर नोट्स के अंदर सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन वर्ड लिखकर आता है, सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन वर्ड लिखकर आता है तो इसका मतलब ही क्या है? इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन लेकर आता है यू विल कंसिडर इट एज इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। तो इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो कि फॉल्स है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी द्वारा दी जा रही है, ठीक है, बट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द अदर पार्टी। आपका इरादा नहीं है दूसरी पार्टी को धोखा देना, आपका ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, आप तो बल्कि मानकर चल रहे हो कि जो स्टेटमेंट आप पास कर रहे हो ना वो स्टेटमेंट बेशक से फॉल्स क्यों ना हो मगर आपको भी वो सत्य ही लगती है। यानी कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स डन बाय अ पार्टी बिलीविंग इट टू बी ट्रू। पहले आपके फ्रॉड के केस में मैंने क्या लिखवाया था? बिलीविंग इट टू बी अनट्रू। यहां पर मैं क्या लिखवा रही हूँ? बिलीविंग इट टू बी ट्रू। यानी कि देखो जैसे मान लो मैंने सेलर जो है ना इससे फर्नीचर परचेज करने गई थी, है ना, तो इसने अपने फर्नीचर की बहुत तारीफ करी थी कि मैम हमारा फर्नीचर बहुत अच्छा है, गीला कपड़ा भी मारोगे तो इसका पॉलिश खराब नहीं होगा, दीमक नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, मैम बहुत ही अच्छा फर्नीचर है, मतलब A1 क्वालिटी का फर्नीचर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 80,000 रुपए में। देखो इसी तरीके से तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं कस्टमर को एडवांटेजेस बताते हैं कि अगर आप हमारा ये फर्नीचर परचेस करोगे तो आपको क्या क्या इससे जो है आपको फायदा होगा। अब ये तो सेलर तो अपनी तरफ से इस फर्नीचर की तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं मगर एक्चुअल में इस फर्नीचर की एक चेयर के अंदर ना क्रैक था। उस क्रैक के बारे में सेलर भी नहीं जानता था, वो क्रैक ना सुबह ही आया था और इस सेलर के एक एम्प्लॉय को पता भी था मगर उस एम्प्लॉय ने अपने बॉस की डांट के डर के कारण बताया नहीं, उसने बताया ही नहीं मालिक को कि ये जो डाइनिंग टेबल रखी है, ये जो फर्नीचर रखा हुआ है ना, इसके तो चेयर में क्या है, क्रैक है। इस एम्प्लॉय ने खुद ही जाकर क्या किया, उस चेयर को फेविकॉल से थोड़ा बहुत उसको वो क्रैक को फिल किया, ठीक है, उसके ऊपर पॉलिशिंग करी, लिपा पोती करी और जिस चेयर को जो वहां पर स्टोर में रख दिया। एम्प्लॉय ने भी नहीं सोचा था कि ये चेयर खरीदने के लिए, ये फर्नीचर खरीदने के लिए कोई शाम को ही आ जाएगा कस्टमर, आपकी नीति मैम, तो अब मैं तो चली गई, है ना। सेलर बेचारा जानता ही नहीं है कि चेयर के अंदर डिफेक्ट है, चेयर के अंदर क्रैक है, सेलर तो इतनी बात कुछ भी नहीं जानता, है ना, वो अपनी तरफ से तारीफ पे तारीफ करे जा रहा है कि मेरा फर्नीचर जो है वो A1 है, मेरा फर्नीचर बहुत अच्छा है, फर्नीचर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम A1 क्वालिटी का है। वो बेचारा देखा जाए तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ना, फर्नीचर में तो डिफेक्ट है भाई, मगर सेलर खुद भी नहीं जानता,
तो सेलर ये सोच के चल रहा है कि जो कुछ वो बोल रहा है, जो कुछ वो बोल रहा है, ही इज बिलीविंग इट टू बी ट्रू. सो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स डन बाय अ पार्टी बिलीविंग इट टू बी ट्रू. फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स डन बाय अ पार्टी बिलीविंग इट टू बी ट्रू. तो सेलर जो है इसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी है, मगर वो खुद भी उसको क्या मानकर चल रहे हैं, दैट इट इज कंप्लीटली ट्रू. तो सेक्शन 18 हमारा क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन. तो सेलर ने देखा जाए तो फ्रॉड थोड़ी ना किया है. अब एक बात बताओ, माना कि सेलर ने फ्रॉड नहीं किया, तो क्या इसका मतलब अब जो आपका कस्टमर है यानी कि मैं, एम आई लायबल और एम आई बी पुट इन टू दैट बर्डन की नहीं मैम देखो मैंने तो आपके साथ फ्रॉड नहीं किया, अब आप फर्नीचर रख लो, तो क्या मैं क्रैक्ड फर्नीचर रख लूंगी? नहीं भाई, माना सेलर ने गलती नहीं करी है, मान लिया, लेकिन इसमें बायर का भी क्या कसूर है? बायर ने तो अपनी तरफ से पूरा 80,000 रुपया दिया था, तो अब वो क्रैक्ड फर्नीचर क्यों रखेगा अपने पास? तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन में भी हम अपने कस्टमर को, हम अपनी अग्रीव्ड पार्टी को ये ऑप्शन देंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हो, मगर यहाँ पर फ्रॉड नहीं हुआ है इसलिए आप सेलर से डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे. सिंपल, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों में एक चीज कॉमन है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मगर फ्रॉड इंटेंशनली किया गया, जानबूझकर सामने वाली पार्टी को आप चीट कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो, तो वहां पर लॉ कहता है अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या वैलिड जो मर्जी करे, डैमेजेस भी साथ में क्लेम कर पाएगी. लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में बच्चे ऐसा नहीं होगा. मिसरिप्रेजेंटेशन में तो बेचारे सेलर की भी क्या गलती है अगर उसके एम्प्लॉई ने ऐसा किया तो. अब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? सेलर एंड मैं. सेलर और नीति है ना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. एम्प्लॉई के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया. सिंपल. हाँ, अब सेलर अपने एम्प्लॉई से क्या फाइन चार्ज करेगा, क्या डैमेजेस लेगा, उसकी सैलरी काटेगा, जो मर्जी करे, मैं तो उस एम्प्लॉई के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना है उस शॉप के ओनर के साथ, सेलर के साथ, है ना. सो हम दोनों के बीच की ये जो डीलिंग है, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नाउ बी टर्म्ड एज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. मगर इसका रीजन कोअर्जन नहीं है, इसका रीजन अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका रीजन फ्रॉड भी नहीं है, इसका रीजन है, बेसिस है मेरा क्या बच्चे, मिस रिप्रेजेंटेशन. जब जब मिस रिप्रेजेंटेशन लिखकर आएगा हम पहले से ही एज्यूम कर लेंगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18. क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आइए जरा. जैसे फ्रॉड के केस में हुआ था, हमें 4 से 5 ऐसे एक्ट दे दिए गए थे जो अगर आप लोगों ने किए तो मान लेंगे जी फ्रॉड है. उसी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन को भी कैटेगराइज कर दिया गया है इनटू 3 हेड्स. ये 3 आप लोगों के एक्ट्स हैं, ये 3 आप लोगों के काम है. ये काम, ये कर्म अगर आप लोगों ने करे ना कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के टाइम पर, तो मान लेंगे कि भाई आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करी है, आपने अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दी है, कोई ऐसा स्टेटमेंट पास करी है, यू नो, अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को, जो एक्चुअल में फॉल्स है. आप नहीं मान रहे हो, आपको भी नहीं पता है, आप भी नहीं जानते हो, यू आर बिलीविंग इट टू बी ट्रू बट इट इज एक्चुअली अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, अब देखो इसमें आता है सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, पॉजिटिव एसर्शन. पॉजिटिव आप लोगों ने ना एक स्टेटमेंट दी है, जैसे मानो याद है जॉन अब्राहम आया था मुझसे कार परचेज करने के लिए, तो जब यहां पर मेरी पोजिशन क्या है, सेलर की है ना, जब मैं जॉन को वो गाड़ी बेच रही थी ना, तो जॉन ने मुझसे पूछा कि मैम इसकी एवरेज क्या जाती है. मैंने कहा चली जाती है आराम से 20 किलोमीटर के आसपास, 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है इसकी एवरेज चली जाती है. एक्चुअल में जो उसकी एवरेज गई, एक्चुअल में जो उसकी एवरेज गई ना, वो कितनी गई, 12 किलोमीटर. अब भैया ऑब्वियसली नीति मैम आपने तो कहा था क्या 20, और अब अचानक से अगर 12 किलोमीटर की एवरेज जा रही है तो यानी कि पेट्रोल ज्यादा खपेगा ना जॉन का, जो हमारे मिस्टर जॉन है उनके पेट्रोल का ज्यादा यूसेज होगा. अब पेट्रोल का ज्यादा यूसेज होगा, अब वो जिस भी जो भी रीजन रहे हो, मैं नहीं जानती थी इतनी बार, मुझे लगा था कि 20 किलोमीटर तो जाती ही होगी. मैंने इनोसेंटली वो स्टेटमेंट पास किया था, मैंने इनोसेंटली वो रिप्रेजेंटेशन दिया था, समझ रहे हो, मगर है तो फॉल्स ही ना मैम. आपने चाहे जितना मर्जी इनोसेंटली दिया हो, है तो फॉल्स स्टेटमेंट ही. तो जॉन अब्राहम के पास पूरा राइट है कि वो आकर क्या कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं. ठीक है, अब सुनना मेरी बात,
ये एग्जाम्पल ना मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में भी उठाऊंगी, वहां पर इसको हम और ज्यादा इन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि गाड़ी क्या है, कार क्या है, एक मूवेबल एसेट है, और मूवेबल एसेट जो होता है उसकी सेल परचेज करते समय, आप लोग उसकी सेल करते समय ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे बायर के साथ जो कुछ भी हुआ ना, कि आपके सेलर ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पास करी, ठीक है, बिलीविंग इट टू बी ट्रू, एक मैंने अपनी तरफ से पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट पास करी जॉन को, बट आई बिलीव इट टू बी ट्रू, तो लॉ मेकर्स कहते हैं पहले तो मुझ पर यही इल्जाम लगेगा, मैम आपको पता था फिर भी आपने नहीं बताया, तो मुझे भी कहीं ना कहीं प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं बाबा मुझे नहीं पता था, मैंने फ्रॉड नहीं किया, आप मुझसे डैमेजेस मत लो। लेकिन लॉ मेकर्स कहेंगे मैम डैमेजेस आपको अगर ना भी देने पड़े तब भी आपको अपनी कार तो वापस लेनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर जॉन बिकॉज मिस्टर जॉन इज द अग्रीव्ड पार्टी। क्लियर है इतनी बात भाई? इनोसेंट मिसप्रेजेंटेशन में मान लिया सेलर की कोई गलती नहीं होती है ना, अनजाने में आप जो है गलत बात बोल जाते हैं, गलत स्टेटमेंट दे जाते हैं, मगर आपकी वो अनजाने में करा हुआ वो जो आपका काम है, वो जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए हमारे मिस्टर जॉन जो हमारी अग्रीव्ड पार्टी है वो क्यों सफर करे? इसीलिए लॉ मेकर्स कहते हैं कि मेरा कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर पॉजिटिव एसर्शन दी जाती है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन में काउंट होती है। सेकेंड पॉइंट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, आपने अपनी ड्यूटी को तोड़ दिया विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डिसीविंग, मतलब आप डिसीव करना नहीं चाहते फिर भी हो गया, आप किसी को चीट करना नहीं चाहते फिर भी हो गया, कैसे हो गया? देखो मैं बताती हूं, अभी से एज फॉर एग्जाम्पल ये जॉन है और ये है हमारे मिस्टर वरुण, ठीक है, वरुण धवन, इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने जा रही हूँ, पता है किस चीज का? मेरे पास ना एक बिल्डिंग है, ओके, आई हैव अ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, और वो सारे के सारे फ्लैट्स ना मैंने जो है रेंट पर दे रखे हैं, सारे के सारे फ्लैट्स मैंने क्या कर रखा है, इनको रेंट पर दिया हुआ है, मैं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ना 5 करोड़ रुपए में किसको बेचने जा रही हूँ, मिस्टर वरुण धवन को, 5 करोड़ में। अब जब मैं मिस्टर वरुण जो है उनसे हम जब बातचीत कर रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे थे ना, तो मैंने मिस्टर वरुण को बोला कि सर ये बिल्डिंग के अंदर जो है सारे फ्लैट्स आपके बुक्ड हो रखे हैं, तो आप अभी मुझे दोगे कितना, 5 करोड़ बदले में आपको मिल जाएगा, या कितना, ये बिल्डिंग मिल जाएगी, मगर इसके साथ साथ ना आपको सारे के सारे टेनेंट्स मिल जाएंगे, मतलब जैसे ही ये प्रॉपर्टी वरुण धवन की हुई, अब जितना भी रेंट आएगा ना इस बिल्डिंग से वो किसकी जेब में जाएगा, वरुण की जेब में जाएगा। वरुण सोच के बैठता है कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर मान लो 20 फ्लैट्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं, 20 फ्लैट्स हैं, और सबसे अगर आपका 20,000 का रेंट भी आता है, तो ना करते करते भी देखो जरा कितनी इनकम हो गई हर महीने की, 4 लाख रुपए, फायदा का सौदा है बहुत ज्यादा। अभी बिल्डिंग ली और उससे अभी आपकी कमाई शुरू हो गई, बिल्डिंग तो अभी है ही है उसके साथ कमाई भी शुरू हो रही है साइड बाय साइड, तो फायदे का सौदा हुआ ना। अब एक्चुअल में हुआ क्या, इसी बिल्डिंग में से यहाँ पर ना हमारे एक टेनेंट रहते थे, वो टेनेंट ना बहुत पहले मेरे घर पर ना एक लेटर ड्रॉप कर गए थे घर खाली करने का, मेरे घर पर एक लेटर डाल गए थे कि नीति मैडम मैं आपका फ्लैट जो है आपकी बिल्डिंग में आपका फ्लैट नंबर ये जो है फ्लैट नंबर 1 मैं खाली कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो मुझे इतना लेटर ड्रॉप कर गए थे, चेक वेक भी उसी लेटर के अंदर डाल गए थे, मुझे वो लेटर बाद में मिला आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं वरुण धवन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना चुकी थी, उसके बाद मुझे पता चला कि 20 फ्लैट्स में से जो रेंट पर अभी चढ़े हुए हैं फ्लैट्स वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 19। मैं ये बात जानती नहीं थी, इनोसेंटली मैंने अपनी तरफ से क्या प्रेजेंटेशन दे दी, इनोसेंटली मैंने अपनी तरफ से ये प्रेजेंट कर दिया दैट ईच एंड एवरी फ्लैट इज बुक्ड, हर फ्लैट आपका रेंट पर चढ़ा हुआ है, उसका रेंट आपको हर महीने आएगा, आपका इनकम होता जाएगा। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि भाई मैंने देखो अब ये जो मैंने यहाँ पर काम किया ये मैंने कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दी,
है ना, मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं ये सब कुछ चेकआउट करूं, उसके बाद वरुण धवन को ये अपना पूरा का पूरा बिल्डिंग जिसके अंदर 20 फ्लैट्स बने हुए हैं ये मैं वरुण धवन को बेच दूं। मगर मैंने तो ऐसा नहीं किया, ऊपर से उससे मेरा एडवांटेज भी हो गया, जो रेंट आया वो मेरी जेब में गया, है ना। अभी तक तो मैं 20 फ्लैट्स का रेंट ले रही थी, मगर वरुण धवन कितने फ्लैट्स का रेंट लेंगे, सिर्फ 19 का। माना कि 20वां फ्लैट भी इन्हीं का ही है, मगर अभी रेंट पे चढ़ा तो नहीं है ना, अभी रिसेंटली जस्ट वो खाली हुआ है। अब उसका पहले रेनोवेशन होगा, फिर उसके बाद उसको आप दोबारा रेंट पर दोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा फायदा हुआ, मगर ये फायदा मैंने अपना जानबूझकर नहीं करवाया। मैंने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी, कॉल्स दी, सिर्फ 19 फ्लैट थे जो कि रेंट पे चढ़े हुए थे, सिर्फ 19, जबकि मैंने क्या बोला, 20 जो है वो आपके पूरे 20 फ्लैट हमारे बुक्ड है। तो लॉ मेकर्स क्या कहते हैं, सुनना मेरी बात, लॉ मेकर्स कहते हैं कि ये हो गई है ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, है ना भाई। मैं बोलूंगी ना वरुण धवन को जाकर कि यार जब मैं आपको 19 फ्लैट का किराया देने के लिए तैयार हूँ इस महीने का, तो मुझे 20वें का देने का मैं क्या प्रॉब्लम होगी, जहां मुझे 5 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो क्या मैं 20,000 के लिए इस तरीके का काम करूंगी क्या? डेफिनेटली नॉट, नहीं करूंगी ना। तो अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि चलो नीति मैम आपने जो है अपनी तरफ से मान लिया आपने अपनी तरफ से धोखा नहीं किया, लेकिन भाई मेरे साथ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो हुई है। मुझे ये जो वरुण धवन ने एक्चुअली में ना डील करी हुई थी किसी और के साथ, आगे मिस्टर खली को भी बेचना थी पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग। अब मिस्टर खली ने मना कर दिया, वरुण को भी ये लगने लगा कि नहीं मैम आपने देखो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो दी है, चाहे से आपने अनजाने में ही क्यों ना दी हो, आपने मैम ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो कर ही दिया ना। आपकी ड्यूटी बनती थी कि आपको सारे फ्लैट चेक करने चाहिए थे, उसके बाद मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते, मगर आपने तो चेक किया नहीं, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ बना लिया। तो ऐसे केस में होगा क्या, लॉ मेकर्स कहते हैं ऐसे केस में वरुण धवन, माना कि भाई नीति मैम की गलती नहीं है, बट स्टिल वरुण धवन की भी गलती नहीं है, लॉ कहता है ही विल गेट द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही वोंट बी एबल टू क्लेम फॉर द डैमेजेस। डैमेजेस क्यों मिलेंगे भाई, कोई फ्रॉड थोड़ी ना किया है नीति मैम ने उसके साथ, मैंने फ्रॉड थोड़ी किया है। इसीलिए लॉ मेकर्स क्या कहते हैं, ये इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 18, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन एक और एक्ट है, कॉजिंग हाउ एवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक। से मान लेते हैं ये है हमारे सीता और ये है हमारी गीता, ठीक है। सीता का ना बच्चे एक बेटा है जिसका नाम है रॉकी। ये रॉकी ने क्या किया, एक ना डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट को ना किसको दे दिया, वो डॉक्यूमेंट दे दिया सीता को, अपनी मदर को। और अपनी मदर को क्या बोलता है, मम्मा ये ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, मैंने ना बैंक से कहीं से लोन लिया है। रॉकी बोल रहा है सीता को कि मैंने ना बैंक से ना कहीं पे लोन लिया है, तो ना ये ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, आप ना ऐसा करो जाकर इससे ना मासी के सिग्नेचर्स ले लो, मासी के सिग्नेचर्स ले लो, गीता मासी की अगर मुझे वारंटी मिल जाएगी, गारंटी मिल जाएगी ना, तो बैंक से मुझे लोन भी बड़े आराम से मिल जाएगा। अब रॉकी ने धोखा किया है सीता के साथ, कहीं ना कहीं सीता को झूठ बोला, ठीक है। सीता जो है उसने सेम बात जाकर बताई किसको, गीता को, कि गीता ऐसे ऐसे ना मेरे बेटे को लोन चाहिए, ठीक है, तो ये ना कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर ना साइन कर दे, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुझे कुछ नहीं करना है गीता, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बस बैंक को ये पता चल जाएगा कि भाई रॉकी जो है उसके पीछे भी कई लोग हैं, अगर रॉकी कहीं जाने नहीं वाला, रॉकी पेमेंट कर देगा, तुझे बस गारंटी देनी है, ठीक है। गीता ने भी क्या किया, गीता ने बच्चे उसको ढंग से पढ़ाई नहीं, गीता ने उसको ढंग से पढ़ाई नहीं, गीता ने मान लिया, गीता ने पढ़ा नहीं, गीता ने मान लिया, तो गीता ने बिलीव कर लिया, गीता ने एरेनेस, एरेनेस बिलीव, इसने तो वो बिलीव किसके कहने पे किया, रॉकी के कहने पे, और वो बिलीव के साथ साथ इसने वो प्रेजेंटेशन भी कर दी गीता के पास। तो सीता ने और गीता के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना जो कहीं ना कहीं वॉइडेबल है, वॉइडेबल है, और गीता ने भी उसको फॉर्म कर लिया आउट ऑफ मिस्टेक, गलती, एरेनस बिलीफ, है ना। तो लॉ कहता है सीता पता है एक्चुअल में उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या था, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं था, वो गीता के प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जिसमें ये लिखा था कि गीता अपने मन से सारी प्रॉपर्टी जो है किसके नाम करती है, रॉकी के नाम। तो लॉ मेकर्स कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब रॉकी ने खुद बचने के लिए क्या किया, अपनी माँ को भेज दिया। तो लॉ मेकर्स कहते हैं
सीता और गीता इनके पास पूरा राइट है उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को कैंसिल करवाने का, पूरा राइट है, पूरा साफ बोलेंगे जी। वो तो एक ही बात कि यहाँ पर सीता से गलती हो गई, सीता ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे दी। सीता जाकर कोर्ट में क्या कहेगी, भाई मैंने अपनी सिस्टर को गलत बोला, ठीक है, उसको भी वही लगा जो मैंने बोला, तो मैंने अपनी तरफ से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी जबकि मैं जानती भी नहीं थी कि वो फॉल्स है। सीता तो यही मानकर चल रही थी ना कि वो सच है। भाई रॉकी ने फ्रॉड किया है सीता के साथ, मगर रॉकी और सीता के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, सीता और गीता के बीच में। अकॉर्डिंगली सीता गीता से क्या मांग रही है, सीता गीता से क्या मांग रही है, गारंटी मांग रही है, या फिर सिंपल वर्ड में ले लेती हूँ, मान लो 10,000 रुपये मांग रही है। रॉकी ने बोला था सीता को जाकर कि मासी से साइन करवा लो, 10,000 रुपये का डॉक्यूमेंट्स बनाए ताकि मासी 10,000 रुपीज दे दे। भैया 10,000 नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में बना, मगर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गीता ने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गीता की रॉकी के नाम हो गई। अब लॉ मेकर्स कहते हैं सीता ने तो दी है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली, और गीता ने बिचारी ने उसी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, तो गीता से तो हो गया एरिनस बिलीफ, गलत विश्वास कर लिया, मिस्टेक हो गई। तो अगर आपकी सीता ने कुछ भी ऐसा काम किया है कॉजिंग अ पार्टी हाउएवर इनोसेंटली, कॉजिंग अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक, तो ऐसे केसेस में भी ये जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बना है, दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर विद यू? आई होप आई एम गाइज। प्लीज शेयर योर फीडबैक विद मी, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, राइट? या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, देयर यू कैन शेयर योर फीडबैक, और थ्रू द अनअकैडमी यू कैन शेयर योर फीडबैक। बट आई रियली वॉन्टेड सो दैट आई विल गेट टू नो कि आपको ये कंसेप्ट कितना अच्छे तरीके से समझ में आया है। एंड इफ यू आर माई प्लस स्टूडेंट, तो आपको इसके नोट्स जो है वो व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, राइट? फ्री कंसेंट के, और कई बच्चों को मिल भी चुके हैं। सो मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या क्या कवर्ड होता है वो भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है? मिसरिप्रेजेंटेशन की हेडिंग में आता है क्या आता है बताओ तो, पॉजिटिव एसर्शन। इसके अलावा ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव मतलब चीट करना, आपने ड्यूटी तोड़ दी मगर आपका इरादा नहीं था किसी को धोखा देना। कॉजिंग हाउ एवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक, सिंपल है। नाउ ऐसे केसेस में अब होगा क्या, लॉ कहता है लेकिन फ्रॉड की तरह ही ना, इट मस्ट बी डन बाय अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, रिप्रेजेंटेशन फॉल्स होनी चाहिए, फैक्ट्स की होनी चाहिए, इसी इंटेंशन के साथ कि सामने वाली पार्टी बस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हाँ कर दे, और सामने वाली पार्टी ने आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन का विश्वास करके एक्ट भी कर दिया हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो। अगर ये सब कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, जो मैंने और इन डिटेल अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, राइट, और इसमें भी किया है स्टार्टिंग में जो मैंने फ्रॉड के रिविजन कराई, लॉ कहता है हम मान लेंगे सेक्शन 18 अट्रैक्ट हो गया, और अगर सेक्शन 18 अट्रैक्ट हो जाता है तो अब आपकी अग्रीव्ड पार्टी को क्या मिलेगा, ही और शी विल गेट द राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर अवॉइड करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे वरुण धवन और मेरे बीच में बना था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? या फिर आपकी अग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो इंसिस्ट कर सकती है, ठीक है, जोर डाल सकती है कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, पहले करी गई होगी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, अब तो कुछ भी नहीं है ना, हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हैं, जो भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन थी उसको आप करेक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, समझ रहे? अब लॉ मेकर्स क्या कहता है, लॉ मेकर्स क्या कहते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, साइलेंस एज टू फ्रॉड जो है उसके मैंने आपको मार्किंग कराई या नहीं कराई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 साइलेंस एज टू फ्रॉड। देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन भी आपका आरटीपी मई में पूछा गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेटा, मिसरिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स के ऊपर ना
आप लोगों का आरटीपी मई 2020 में, आरटीपी मई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। अब लॉ मेकर्स कहते हैं, वैसे तो अगर मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, वैसे अगर मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, सो यूजुअली अ पार्टी गेट्स अ चांस टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बट इन दीज सर्कमस्टेंसेस पार्टी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, ये वही सर्कमस्टेंसेस हैं जो मैंने आप लोगों को फ्रॉड के टाइम पर करवाए थे। मगर फ्रॉड में मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास मीन्स है टू डिस्कवर द ट्रूथ, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वैलिड, कब मींस है आपके पास, आपका रिश्ता कैसा है, वैसा वाला रिश्ता है वेयर साइलेंस अमाउंट्स टू ब्रीच, वेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। आपके पास मींस भी है और आपके वो सर्कमस्टेंसेस भी है ना, उसके बावजूद भी जो है आप पता अगर नहीं लगा पाए तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर रिश्तों की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ ट्रस्टी बेनिफिशियरी हाफ ट्रूथ इन सब की बात ही नहीं हो रही है मिस रिप्रेजेंटेशन में। तो क्योंकि ये वैसे भी इनोसेंटली हो रही है, लॉ कहता है अगर आपके पास कोई भी जरिया है, यू नो सिंपल तरीके से ऑर्डिनरी डेलिजेंस, वैसे डेलिजेंट वर्ड का मतलब होता है सेंसिबली, थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी अगर आप सत्य का पता लगा सकते थे ना बड़े आराम से, तो लॉ कहता है अब अग्रीव्ड पार्टी, फिर ये आपकी गलती है कि आपने पता क्यों नहीं लगाया, आपको पता लगाना चाहिए था। सिंपल है भाई, आपको पता लगाना चाहिए था, आपके पास जरिया तो था। देखो जैसे मानो मैंने अपनी कोई क्लास ली, ठीक है, किसी वजह से मैंने उसको रीशेड्यूल कर दिया, अब आपने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया, मैम आपने तो क्लास ली नहीं, आपने हमारे साथ जो है मिस प्रेजेंटेशन किया। अरे भाई हो सकता है कि मैंने क्लास नहीं ली, उसका जो रीजन था वॉट एवर द रीजन मे बी, मगर वो क्लास मेरी कब हुई उसकी डिटेल आपको मेरे प्रोफाइल पर जाकर मिल जाएगी ना। तो आपने वो एफर्ट्स करे नहीं, है ना, आपने वो एफर्ट्स करे नहीं, और फिर बाद में आपने क्या कहा, नीति मैम आपने मिस प्रेजेंटेशन दी, आपने 5:30 बजे की क्लास का बोला था और आपने 8 बजे ली, ठीक है। अरे भाई माना मुझसे मिस प्रेजेंटेशन शायद थोड़ी हो गई कि मैं उस टाइम पर क्लास नहीं ले पाई, 5:30 का रखकर भी मैं नहीं ले पाई, पावर कट हो गया, व्हाटएवर द रीजन मे बी, व्हाटएवर द रीजन मे बी, आपके पास भी तो लेकिन जरिया था ना कि आप उस टाइमिंग्स का पता निकलवा सकते थे। यू गाइज आर एसोसिएटेड विद मी थ्रू द अनअकैडमी, यू जस्ट हैव टू गो टू माई प्रोफाइल एंड सर्च ओवर देयर कि मैम का लेक्चर कौन सा कब आया और कितने टाइम पर आया, सारे लेक्चर्स की लिस्ट आ जाती है। दैट मींस यू हैड अ मींस, मींस मतलब जरिया टू डिस्कवर द ट्रुथ, समझ रहे हैं? तो लॉ मेकर्स कहते हैं ये वही सारे पॉइंट्स हैं, आपने इग्नोरेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन की इग्नोरेंस को इग्नोर करते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आपने उससे कोई बेनिफिट उठा लिया, थर्ड पार्टी को आपने वो गुड्स आगे बेच दिए पता होने के बावजूद भी, है ना। वरुण धवन जानता था कि उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, 20 की जगह सिर्फ 19 फ्लैट ही रेंट पर चढ़े हुए हैं, फिर भी उन्होंने क्या किया, आगे जाकर खली को वो पूरी बिल्डिंग बेच दी, तो अब वो मेरे पास वापस आकर इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल नहीं कर सकते हैं। सेम वही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये वो सिचुएशन है वेयर द अग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, बट स्टिल ही और शी कैन नॉट एवर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। आइए अब जरा फटाफट से हम लोग एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 17 दैट टॉक्स अबाउट द फ्रॉड, सेक्शन नंबर 18 दैट टॉक्स अबाउट द मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब ही क्या होता है, धोखा, धोखा द फ्रॉड, है ना, मेरे प्लस क्लास के स्टूडेंट्स तो समझ ही गए होंगे। सो यहाँ पर बेटा इंटेंशंस कैसी होती हैं, इंटेंशंस होती हैं टू डिसीव द अदर पार्टी, मगर यहाँ पर ऐसा कोई इरादा नहीं होता, इनोसेंटली ना आपकी एक पार्टी जो है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे देती है, इनोसेंटली, गेटिंग माय पॉइंट, इनोसेंटली नॉट इंटेंशनली। अच्छा, नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड, यहाँ पर पार्टी जानती है, बिलीव करती है कि जो कुछ वो बोल रही है ना वो सच नहीं है, वो सच नहीं है, यानी कि पर्सन मेकिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो इंसान रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है ना वो खुद भी उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। लेकिन इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, जिसको आईसीए के अंदर सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन बोला गया है, इसमें होता क्या है, पर्सन मेकिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, पर्सन मेकिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू।
ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आती है बात, यहाँ इन दोनों केसेस में ना सेक्शन 17 में और 18 में सिमिलैरिटी क्या है कि बेटा इन दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइडेबल होगा, मगर 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 यहाँ पर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो और यहाँ पर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो। अब आती है बात फोर्थ पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ। यहाँ पर दोनों केसेस में पता है क्या होता है, यहाँ पर तो ये होता है कि आपका जैसा मर्जी रिलेशनशिप हो, साइलेंस है, नहीं है, कुछ भी है, अगर आपके पास जरिया है, अगर आपके पास जरिया है फैक्ट्स को डिस्कवर करने का, तब तब वो फ्रॉड, वो आपका मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। यानी कि द अग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। द अग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। लेकिन फ्रॉड के केस में तो जो इंसान फ्रॉड कर रहा है वो तो वैसे भी पूरी कोशिश करेगा कि आपको सच्चाई का पता ना चले, है ना। तो लॉ मेकर्स कहते हैं वहां पर ना, मतलब अगर मीन्स होंगे भी तो आप पता कैसे लगा पाओगे, क्योंकि आपसे तो सब कुछ फ्रॉड ही आपके साथ किया जाएगा, आपके साथ तो सब चीजें छुपाई जाएंगी। लेकिन अगर साइलेंस एज टू फ्रॉड है, साइलेंस एज टू फ्रॉड है का मतलब अगर पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप ही कुछ ऐसा है, लाइक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, या फिर आपने कुछ पूछा मगर उसका आधा अधूरा जवाब जवाब आया, या फिर आधा सच बताया गया, तो ऐसे केसेस में तो चुप रहना भी जो है फ्रॉड माना जाता है। ऐसे केसेस में लॉ कहता है आपके पास पूरा राइट है सामने वाली पार्टी से पूछने का कि भाई बताइए जरा, मुझे ये पेपर्स दिखाइए, मुझे देखना है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई जरिया है, टू व्हाट टू इफ यू हैव अ मीन टू डिस्कवर द ट्रुथ, सो इन दोस केसेस यू गाइस कैन एक्चुअली व्हाट यू गाइस कैन You guys can judge whether the contract is valid or not. फिर भी आपने जज नहीं किया तो लॉ कहता है भाई आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो एक्सेप्ट वे साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड द कॉन्ट्रैक्ट टू द अवॉइडेबल, द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द साइलेंस एज टू अवॉइड, जहां पर मैंने बताया था द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल इवन इफ द अग्रीव्ड पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ। अगर साइलेंस एज टू फ्रॉड वाली सिचुएशन है तब नहीं माना जाएगा, तब नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो, तब नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मानकर चलेंगे कि आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया हो गया था, उसके बावजूद भी अगर आपने उन जरियों का इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो वो अब आपकी गलती है। यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल है गाइस। आई रियली होप आप लोगों को ये मेरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट होता है तो गाइज यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। इफ यू गाइज आर हैविंग माई नंबर यू कैन आस्क मी ओवर देयर, इफ यू गाइज आर नॉट हैविंग माई नंबर देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी, दैट इज नीति अंडरस्कोर तहीम, राइट। सो थ्रू दिस यू गाइज कैन यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, यू कैन मैसेज मी वट एवर द डाउट यू गाइज आर हैविंग, एंड देन उसके बाद हम लोग आपके वो डाउट सॉल्व कर देंगे। अब देखो जो भी मेरे प्लस क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, फ्री कंसेंट के इस चैप्टर में बच्चे आप लोगों का अंडू कोअर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन चारों टॉपिक्स कवर्ड हो चुके हैं। नाउ वी गाइज आर लेफ्ट विद अ टॉपिक कॉल्ड मिस्टेक। वो मिस्टेक का टॉपिक आप लोगों को स्पेशल क्लास के अंदर करवाया जाएगा कल। अच्छा, अब जब ये वीडियो कोई अगर देखता है लेटर स्टेज पर बाद में, राइट, तो आप लोगों को मेरे स्पेशल क्लासेस के मेरे प्रोफाइल में जाकर, मेरे स्पेशल क्लासेस के कॉलम में जाकर आपको दिख जाएगा मिस्टेक का एक स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगी, जो कि प्री कंसेंट टॉपिक का चैप्टर का ही एक टॉपिक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मान लीजिएगा आपका प्री कंसेंट ओवर हो गया। एम आई क्लियर? आपका प्री कंसेंट का टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है बच्चे, ओवर हो गया है। आई होप आप सभी बच्चों को मेरा ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सो डू शेयर योर फीडबैक्स एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।